क्विक सपोर्ट आपके लिए समय समय पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता है दोस्तों, जिससे आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी मिल जाए। रैम क्या है, इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको रैम से जुड़ी बेसिक जानकारी दी थी। उस वीडियो को आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रैम से जुड़ी बाकी जानकारियां लेकर आए हैं, जैसे रैम काम कैसे करता है, आपको कितने रैम की जरूरत होती है और अगर आपके सिस्टम में रैम कम पड़ जाए तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है दोस्तों आपके अपने चैनल में। तो आइए पहले रैम को अच्छी तरह समझें। रैम का फुल फॉर्म तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक सुपर फास्ट हाई स्पीड स्टोरेज होता है। इसे आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। इसे कंप्यूटिंग के फंडामेंटल एलिमेंट्स में से एक माना जाता है। रैम सुपर फास्ट के साथ साथ अस्थायी डेटा स्टोरेज स्पेस होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम इस्तेमाल हो रहे डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम्स लगातार इस्तेमाल होते हैं, ये उन कॉमन डेटा को स्टोर करने का काम करता है। रैम किसी भी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जबकि एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या एसएसडी इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जहां चीजों को स्टोर किया जाता है। हर कंप्यूटिंग डिवाइस में रैम होता है, चाहे वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जिसमें विंडोज, मैक या लिनक्स का इस्तेमाल किया जाता हो, या एक टैबलेट या स्मार्टफोन, या फिर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस हो जैसे स्मार्ट टीवी। लगभग सभी कंप्यूटरों में लंबी अवधि के उपयोग के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क होता है, लेकिन काम करने की प्रक्रिया रैम में ही की जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD या ऑप्टिकल ड्राइव जैसे अन्य प्रकार के स्टोरेज के मुकाबले रैम में डेटा पढ़ना और लिखना बहुत तेज होता है। तो चलिए जानते हैं कि रैम काम कैसे करता है। रैम आपको अलाउ करता है कि आप एक समय में एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स अच्छी स्पीड के साथ कर सकते हैं। रैम एक हार्ड डिस्क की तुलना में काफी तेज होता है, ये किसी हार्ड डिस्क से 20 से 100 गुना तेज हो सकता है। इसकी स्पीड डिपेंड करती है सिस्टम के हार्डवेयर टाइप और टास्क पर। इसकी गति के कारण रैम का उपयोग सूचना को तुरंत प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करना चाहते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लोड करता है इसे प्रोसेस करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक स्प्रेडशीट पर काम करना चाहते हैं। जब आप एक्सेल शुरू करते हैं तो आपका कंप्यूटर रैम में एप्लीकेशन लोड करता है। अगर आप पहले से सेव किसी स्प्रेडशीट को लोड करते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो जब आप उसे खोलते हैं उसे काम करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस जानकारी को रैम में भी कॉपी करता है, फिर आप एक्सेल के साथ काम कर सकते हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में कंप्यूटर सुपर फास्ट जवाब देता है क्योंकि रैम तेज होती है। जब आपका स्प्रेडशीट का काम पूरा हो जाता है तो आप एक्सेल में इसे सेव करते हैं, जिसका मतलब है कि डेटा हार्ड डिस्क या किसी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे सहेजना भूल जाते हैं और लाइट चली जाती है या कुछ ऐसा होता है जिससे वो सारा काम अनसेव ही रह जाए, तो क्योंकि रैम तो तभी तक उसे सेव रखता है जब तक फाइल ओपन रहती है। हालांकि MS ऑफिस में जिस फाइल में आप काम करते हैं, और अगर लाइट जाने से या किसी भी कारण से सिस्टम शट डाउन हो जाए और फाइल अनसेव रह जाए, तो जब दोबारा सिस्टम को ऑन किया जाता है तो वो फाइल खुद ब खुद डेस्कटॉप पर खुल जाती है, और जब आप एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रैम से निकाल लेता है और डेक को साफ कर देता है ताकि रैम स्पेस फ्री हो जाए आपके अगले काम के लिए। जब आप पहली बार अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं जैसे कि पावरपॉइंट या स्पॉटिफाई, तो लोड होने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि यदि आप किसी प्रोग्राम को बंद करते हैं और फिर उसे पुनः लोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर लगभग तुरंत खुल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरी बार ऐप को हार्ड डिस्क के बजाय रैम से लोड किया जाता है, जो कि हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होता है। उदाहरण के लिए अगर आप विंडोज का उपयोग करते हैं तो इसके प्रमुख कार्य जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले करने की एबिलिटी रैम में कॉपी की जाती है, क्योंकि OS को उन उपकरणों के लिए सुपर फास्ट एक्सेस की आवश्यकता होती है जो आप हर समय उपयोग करते हैं। जब किसी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा रैम की जरूरत होती है तो ये अक्सर आपको एक स्टेटस रिपोर्ट देता है। जब आप कोई गेम या पावरफुल एप्लीकेशन लोड करते हैं तो ये अक्सर होता है। जब आप कोई गेम लॉन्च करते हैं तो आपको एक लोडिंग स्क्रीन दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि सिस्टम गेम लोड हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कितने रैम की जरूरत पड़ती है।
एक कंप्यूटिंग डिवाइस में जितना ज्यादा रैम होता है वो सिस्टम उतना ही तेज चलता है। अगर आपका डिवाइस पुराना है तो आपको हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ सकता है। हर ओपन एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउजर में टैब्स रैम के स्पेस को यूज करता है। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रैम स्टोरेज से अलग होता है। अगर आप अपना पीसी बंद करते हैं तो रैम से सारी जानकारी, सारा डेटा स्टोरेज मतलब कि एसएसडी या एचडीडी पर चली जाती है। तो आपको कितनी रैम की आवश्यकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, आप एक ही बार में कितने काम करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्स करे। ज्यादातर परिस्थितियों में आपको अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क का स्पेस ज्यादा चाहिए होता है और रैम के लिए बहुत कम स्पेस की जरूरत होती है। कुछ टाइम पहले तक जब विंडोज 95 चलता था तब 8 MB से 32 MB तक के रैम से काम चल जाता था, जबकि आज के टाइम में जब कंप्यूटर भी और स्मार्ट और अपडेट हो गए हैं तब एक वेब ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स में अगर एक ही टाइम में 10-12 टैब खोलते हैं तो उसमें 2 GB से ज्यादा रैम लग जाता है। जब हम एक कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस खरीदते हैं तो हमें रैम के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 2 GB, 4 GB, 16 GB या इससे भी ज्यादा। आप अपने काम के हिसाब से स्पेस चुन सकते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कितने काम के लिए कितने रैम की जरूरत होती है। शुरू करते हैं 4 GB रैम से। अगर आप केवल वेब ब्राउज करते हैं, ऑफिस के बेसिक एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी अपनी फोटो को एडिट भी करते हैं तो आपके लिए 4 GB मेमोरी काफी है। 8 GB रैम। भारी मल्टीटास्कर या लाइट गेमर्स को 8 GB रैम वाला कंप्यूटर चुनना चाहिए। 16+ GB रैम। कुछ काम बहुत ज्यादा रैम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीरियस गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोग्रामिंग। इसके अलावा जो यूजर्स कभी नहीं चाहते कि उनका कंप्यूटर स्लो चले तो उन्हें 16+ GB रैम वाले कंप्यूटिंग डिवाइस को खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर रैम कम पड़ जाए तो क्या करें। जब कंप्यूटिंग कार्य कंप्यूटर पर मेमोरी की वर्तमान मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे एप्लीकेशन को जो कम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हार्ड डिस्क पर भेज देता है, जिससे सिस्टम बहुत स्लो चलने लगता है। फिर जब आप इस एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ओपन होने में बहुत समय लेता है। इन दिक्कतों से बचने के लिए या तो आप अपने रैम का साइज बढ़ा सकते हैं, अपने सिस्टम में दूसरा रैम लगाकर, या अक्सर मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा स्पेस होता है रैम के लिए तो उसमें आप एक और रैम फिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नियमित रूप से बेकार चीजों को साफ करते हैं तो आपका कंप्यूटर और अधिक तेज और बेहतर चल सकता है। लेकिन रैम बढ़ाने का काम सिर्फ कंप्यूटर में हो सकता है। अगर आप चाहें कि आपके मोबाइल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रैम बढ़े तो ये संभव नहीं। इसके अलावा हार्ड डिस्क की कमियों की वजह से भी कंप्यूटर स्लो चल सकता है। इसके लिए आपके सिस्टम का हार्ड डिस्क तेज हो ये चेक कर ले। हार्ड डिस्क SSD होना चाहिए, ना कि HDD, क्योंकि HDD इसके मुकाबले ज्यादा तेज काम करती है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, रैम भी कई प्रकार के होते हैं। साइंटिस्ट हमेशा नई नई खोज करते रहते हैं जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर के इस्तेमाल में एनर्जी कंजप्शन तो कम हो लेकिन उसकी स्पीड और कैपेसिटी बढ़े। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में यूजर्स के पास स्टैटिक रैम, SRAM, डायनेमिक रैम, DRAM या सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, SDRAM होते थे, जिसे वो अपनी पसंद से चुनते थे। आजकल जो रैम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है DDR RAM। इसके कई सारे वर्जन 20 साल में लॉन्च हुए हैं, जैसे DDR2 2003 में आया जिसकी स्पीड 8.5 GB/s है, DDR3 2007 में आया जिसकी स्पीड 17 GB/s है, DDR4 2014 में आया जिसकी स्पीड 25.6 GB/s है और DDR5 सबसे लेटेस्ट है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ और इसकी स्पीड है 32 GB/s। रैम का एक और प्रकार है VRAM, जिसे वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जो आपके ग्राफिक्स कार्ड पर लगा होता है और इसका इस्तेमाल ग्राफिकल डेटा जैसे गेम लोड करने के लिए किया जाता है। वीडियो रैम बाकी दूसरी मेमोरी से भी तेज होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं
तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।